का रनिंग अकेडमी समय अवैध सरनिया सर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे 1275 दरोगा अभ्यर्थी जो मेंस दिए हैं वो फिजिकल में लगे हुए हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनका मेंस हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो बहुत अच्छे मेहनत करके अपना जो परिणाम था वो परिणाम को पास पहुँचे हैं। लेकिन उसके बाद का जो मेन खेला है वो फिजिकल है, तो फिजिकल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चन रहा और उस पर कैसा आप लोग का बच्चों लोग का ओपिनियन रहा, इन सबसे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आपसे कि क्या रहा आपका वहाँ क्वेश्चन का, ये कितना बनाए, कितना अटेम्प्ट किए हैं? अच्छा, आपका कैसा रहा है? हाँ अच्छा, आपका क्या ओपिनियन रहा सर? 72+ है। आपका 80+ है। क्वेश्चन कैसा रहा पिछले साल के? अच्छा अच्छा, आपका क्या ओपिनियन रहा? 80 सही है आपका। आपका सर 72। आइए जानते हैं आपका अच्छा आपका किस क्या रहा, मतलब क्वेश्चन आप तो पिछले बार भी थे मेंस में मेरिट आउट हुए हैं, तो आपका क्या ओपिनियन रहा है? मेरा ओपिनियन यही है जो जनरल का रनिंग के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए, मेरा एक्चुअली सही हुआ है 84। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जो इधर उधर हो जाए, आयोग के आंसर की पे डिपेंड करता है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मेरा 84 सही हो रहा है। और बाद बाकी हर जो है कट ऑफ रनिंग के लिए जनरल कैटेगरी का 74 से ज्यादा नहीं जाएगा। इस मेरा एक ग्रुप है सिपाही जी, उसमें आप लोग देख रहे होंगे जो कट ऑफ प्री में दिए वही आया, और उसके बाद मेंस में 74 जिस लड़का का निगेटिव काट के आएगा वो फिजिकल के लिए एलिजिबल है। यानी उसके बाद डिपेंड करता है फिजिकल कब होता है। फिजिकल अगर एक महीना के अंदर हुआ तब बस एक नंबर बढ़ेगा एक महीना के अंदर, क्योंकि फिजिकल उतना इजी नहीं है। अगर 2-3 महीना मिला तब 2-3 क्वेश्चन आगे जाएगा। यानी 76 जिसका निगेटिव काट के आ रहा है तो जनरल में यानी फाइट कर सकते हैं हम लोग, यानी बना के रख सकते हैं अपना। आपका क्या ओपिनियन रहा? सर मेरा 90 सही 10 गलत है। 90 सही 10 गलत। तो आप जैसे पूर्ववर्ती भी एग्जाम दिए हैं तो वो एग्जाम का और ये एग्जाम का क्या? सर क्वेश्चन सब ठीक था, थोड़ा सा मतलब जो एक्साइज दरोगा का मेंस हुआ था उससे थोड़ा सा लेवल इसका ऑफ था। अच्छा, तो हमको लगता है वही जनरल कट ऑफ मतलब 74-75 रेंज में रहना चाहिए। आपका कैटेगरी क्या है सर? ईबीसी। आपका क्या ओपिनियन रहा? ओपिनियन यही है सर, जैसे मैं 100 के 100 अटेम्प्ट लिए हैं क्वेश्चन, 80+ एक स्कोर मेरा आ रहा है। ओपिनियन यही है कि 75+ जो है जनरल का वो एलिजिबल है रनिंग के लिए, और मेरिट ज्यादा 80 सब कैटेगरी ले हो जाना चाहिए। आपका कौन कैटेगरी है सर? मेरा तो ईबीसी है सर। अच्छा, आपका? हाँ, आपका कितना? 83+। अच्छा, आपका क्या है? मेरा 22-78 सही। अच्छा, आप कौन कैटेगरी से हैं? क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन ठीक ही था। आपका क्या ओपिनियन रहा इस पे, कितना सही कितना गलत? नेगेटिव कार्ड के 78 सही है। अच्छा, कौन कैटेगरी से हैं? एससी। चलिए आइए जानते हैं लड़की लोग से इन लोग का कितना रहा, कितना कैसे बनाए हैं, इन लोग का कटअप क्या जाने की संभावना है, ये सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपका कितना सही है कितना गलत है? 70 आपका मतलब काट छाट कर। आप किस कैटेगरी से हैं? ईबीसी से। आपका कितना सही है कितना गलत है? पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए थे, 100 में 100 मारे थे। और किस कैटेगरी से हैं आप? ओबीसी से। आपका? 75 सही हो रहा है, नेगेटिव काट के 75 क्वेश्चन मतलब ऐसे आ जाएगा। ओबीसी से। आपका कितना सही रहा? सर नेगेटिव काट के 79। कौन कैटेगरी से हैं आप? ओबीसी से। बहुत बहुत बधाई। आपका? 69.70 लेके चलिए नेगेटिव काट के। अच्छा, आपका? 70 सही है। चलो
जैसे आप लोग देखे कि सबका मतलब लड़की लोग में 70 के आसपास कोई है जो सब 75 है और लड़का लोग में भी बहुत सारे हैं जो 75 से ऊपर है, तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लमसम जिनका 74 के आसपास जनरल के जो लोग बता रहे थे, लेकिन मेरा भी ख्याल है कि 74 से 75 या 76 इसी सब के बीच में रहेगा। आप सभी भी अपना जितना नंबर आ रहा है उस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक सबको रिव्यू दूंगा कि कितना उसका कटअप जाने की संभावना है, मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो सबको अपना नंबर जितना आ रहा है काट के कितना सही है कितना गलत है वो कमेंट कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, फिर मैं नेक्स्ट एक दो दिन में सबके रिकॉल करके एक वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।